रोहतक, महिला की छत से गिरने से मौत, पति पर धक्का देने का आरोप, गलत काम करवाने का बना रहा था दबाव, दो पर एफआईआर। रोहतक जिले में एक शख्स ने अपनी पत्नी को छत से धक्कर दे दिया, जिसके कारण महिला की मौत हो गई। पुलिस ने पति सहित दो लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मृतका का पति उस पर अनैतिक कार्य करवाने का दबाव बना रहा था, इसलिए उनमें झगड़ा होता रहता था। उत्तर प्रदेश यूपी के जिला गाजियाबाद की तुलसी निकेतन कॉलोनी भौपुरा शाहीवाबाद निवासी मीना शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके चार बच्चे हैं। सबसे छोटी बेटी करीब 22 वर्षीय आरती ने एक साल पहले भौपुरा में लव मैरिज की थी। आरती को एक बेटा हुआ जिसकी उम्र अब करीब 3 वर्ष है। एक साल पहले लव मैरिज की थी। मीना ने बताया कि पहले पति से मनमुटाव के कारण आरती अलग हो गई। इसके बाद भिवानी के बरसेरा निवासी अजय उर्फ मोनू से करीब एक माह पहले लव मैरिज की। वह अजय के साथ रोहतक में हिसार बाईपास पर स्थित किराए के मकान में रहने लगी। आरती ने करीब एक सप्ताह पहले बताया कि अजय के साथ वह अब चाणक्यपुरी में रहने लगी है। अनैतिक कार्य करवाने का दबाव बनाता पति। मीना ने कहा कि 7 अगस्त को करीब 8:30 बजे उसकी बेटी पूजा ने बताया कि आरती ने छत से कूदकर जान दे दी है। सूचना मिलते ही वह रोहतक पहुंची। यहां पता किया तो जानकारी मिली कि अजय उर्फ मोनू ने 6 अगस्त को आरती के साथ झगड़ा किया था। अजय आरती से अनैतिक कार्य करवाना चाहता था, लेकिन आरती ने गलत काम करने से मना कर दिया। कॉलोनी का ही राज उर्फ अमन भी आरती के पास करीब 15 दिन से रुका हुआ था। अजय व अमन ने ही मिलकर आरती को दूसरी मंजिल से धक्का दिया है, जिसके कारण वह नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। हत्या का केस दर्ज। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से संबंधित साक्ष्य जुटाए। वहीं पुलिस ने मृतका के पति अजय उर्फ मोनू व राज उर्फ अमन के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है।